नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली टारगेट। तारीख है आज 1 दिसंबर। आज का टारगेट देखते हैं, क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो हम पढ़ रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 4 और 5 आज हमें कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 4 है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के बारे में और चैप्टर नंबर 5 है आपके मिनरल एंड रॉक के बारे में। तो पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, उसके बाद 5 पढ़ेंगे। 5 थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है क्योंकि मिनरल और रॉक थोड़ा सा फैक्चुअल चैप्टर है वो वाला। तो करेंगे क्या, आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ते टाइम ध्यान से पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले क्या क्या एविडेंसेज हैं उसको पढ़ेंगे, 4-5 चीज़ें हैं। उसके बाद फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़, फिर आपका जो ओशियन का जो कन्फिग्रेशन है उसको उसको पढ़ेंगे कि क्या क्या मिलता है हमें ओशियन के फ्लोर पे, मिड ओशियनिक रिज क्या होता है, अर्थक्वेक और वोल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ पे कहाँ कहाँ है। फिर आएगी बात सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की, ये कहाँ हमें हेल्प करता है हमारे अर्थ का जो कॉन्टिनेंट है उसको समझने में, उनके मूवमेंट को समझने में, आप ये पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा बाउंड्री के टाइप, 3 तरह की बाउंड्री होती हैं, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, प्लेट मूवमेंट का रेट कितना है, प्लेट मूवमेंट को चलाने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, आप इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय प्लेट का मूवमेंट किस तरह से हुआ है, कहाँ पर था, कहाँ पर आकर टकराया है और कैसे हिमालय बना है, ये बातें आप देखेंगे शॉर्ट में। फिर आपको कुछ सवाल मिलेंगे, सवाल कहेगा कि कुछ का आंसर लिखिए आप 30 वर्ड में, कुछ का आंसर लिखिए आप 150 वर्ड में। तो आपको जो 3 क्वेश्चन है ना, आपको इसका आंसर लिखना है। क्या कह रहा है, व्हाट आर द एविडेंसेज इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, इसका आंसर लिखिएगा 150 वर्ड, 10 मार्क्स का सवाल है यूपीएससी GS1 का। ब्रिंग अबाउट द बेसिक डिफरेंसेज बिटवीन ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। तीसरा, व्हाट आर वेयर द मेजर पोस्ट ड्रिफ्ट डिस्कवरीज दैट जनरेटेड द इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट इन द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट। नहीं, थर्ड मत लिखना, केवल क्वेश्चन 1 और 2 लिख देना, इतना काफी है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपका आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पर हो गया। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 क्वेश्चन है ना, इनका भी आंसर लिख सकते हैं, काफी हेल्प करेगा। अच्छा, ये 6 क्वेश्चन का आंसर उनको लिखना मस्ट है जिन्होंने आंसर राइटिंग अभी अभी शुरू करी है, मतलब जो अभी नौ सीखी है आंसर राइटिंग के फील्ड में। आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 के 2 सवालों पर आएंगे। क्यों सर? क्योंकि बच्चों वाली किताब है और आप वहाँ से शुरू करेंगे तो उसके नीचे कुछ है नहीं एक्चुअली, तो आपको वहीं शुरू करना पड़ेगा, फिर आपको मैं टफ सवाल दूंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर अगला चैप्टर आपका आएगा रॉक एंड मिनरल के बारे में, तो इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है ना, कितने तरह के रॉक्स होते हैं, 3 तरह के रॉक्स होते हैं आपके, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और आपके मेटामॉर्फिक। नहीं, ये वाला फैक्चुअल नहीं है, इसके आगे वाला है ना, ये जो पार्ट है कि कितने तरह के इसके प्रॉपर्टीज होती हैं, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, ये सब चीज़ें थोड़ा फैक्चुअल है, पढ़ लेना इसको मन मार के, सवाल पूछता है इस पर क्योंकि, ठीक है ना, इग्नोर मत करना उसको। चलो, ये बातें हो गई, आपको मैंने टाइम दिया है 1 घंटा 40 मिनट का 2 चैप्टर पढ़ने का। अगला सवाल हमारा है, अगला टारगेट हमारा है इंडियन पॉलिटी चैप्टर नंबर 10। यहाँ पर आप पढ़ाई करेंगे अमेंडमेंट के बारे में, संविधान को अमेंड करने का प्रोसीजर क्या है, अमेंडमेंट के टाइप क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब क्रिटिसिज्म क्या है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर यह देखेंगे कि हमारा जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, क्यों, इसको अमेंड करना आसान भी है और मुश्किल भी है, दोनों बातें। तो चैप्टर नंबर 10 को आप रिवाइज कर लेंगे, क्लियर बात है। चलिए, 10 के साथ साथ तुम 11 भी रिवाइज करिए लेना, इसको मत छोड़ना। तो आप आज चैप्टर नंबर 10 और 11 रिवाइज करेंगे, बढ़िया। अगली बात आती है आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, 6 सवाल आपको मैंने पहले दे दिया है, उसके बाद 10 बजे रोज हमारे YouTube चैनल कम्युनिटी पेज पर आपको 2 सवाल मिलेंगे, आपको उसका आंसर लिखना है और सबमिट करना है हमारे प्रेप आईएएस के ग्रुप में, जहां पर रात को 8 बजे आपके आंसर को रिव्यू किया जाएगा आपके लिए, क्या खामियां हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, सब बातें बताई जाएंगी आपके लिए। ठीक है, अगली बात आती है करंट अफेयर की, यहाँ पर आपको रोज सुबह 8 बजे द हिंदू का डिस्कशन मिलेगा, अक्टूबर महीने की मैगजीन जो है इसको हम लोग शुरू किए हैं कल, और यहाँ पर आज आप पढ़ेंगे इकोनॉमी। एक बात और, मुझे कई सारे जवाब मुझे कमेंट मिले जिन्होंने आपने कहा कि सर ये हिंदी में नहीं है, तो जब तक ये मैगजीन हिंदी में नहीं आ जाती तो हिंदी माध्यम वाले लोग इसको पढ़ेंगे,
पढ़ने तो आना चाहिए अंग्रेजी, क्योंकि आपका जो जीएस मेंस का पेपर होगा इंग्लिश कंपलसरी का, तो वहां पर तो आपको इंग्लिश में ऐसे लिखने के लिए देगा, वहां पर नहीं लिखेंगे तो फेल कर देगा। मतलब तुमको पढ़ने और लिखने आना चाहिए अंग्रेजी, ठीक है ना, हिंदी मीडियम को तब भी। तो ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पर रिफॉर्म के बारे में पढ़ लेंगे आप, आईएमएफ में जो रिफॉर्म की बात हो रही है और वर्ल्ड बैंक में, इसको आप कवर कर लेंगे। तो 3.1 वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसे कवर कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है, आप ये कवर कर लेंगे, ठीक है ना। फिर अगला गतिशक्ति, ये चार टॉपिक आप आज निपटा लेंगे। तो ये चार टॉपिक यहाँ से हो गया आपका गतिशक्ति तक, ये हो जाएगा टोटल आपके 6 पेजेस हैं। आपको मैं 1 घंटे का समय दे रहा हूँ, 1 घंटे से भीतर इसको आप इसको पूरा निपटा दीजिएगा, ठीक है। अब आती है बात आपके ऑप्शनल की, ये मनमौजी है। 1 घंटा कम से कम पढ़ना है आपको, 2 घंटा आइडियली पढ़ना है, छोड़ना मत किसी दिन। ये नहीं कि हम आज नहीं पढ़ेंगे कल 2 घंटा खींच देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम जानते हैं तुमको, तुम गोला मारोगे पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए डेली पढ़ो, इग्नोर मत करो इसको। यही तुमको आईएएस बनाएगा बाबू, ऑप्शनल ही तुम्हें आईएएस बनाएगा, और किसी में ताकत नहीं है तुम्हें इतना नंबर दिलाने की कि 2 पेपर तुम खींच देगा 350 नंबर, 300 नंबर, ठीक है। चलो ये बातें हो गई, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।